Yeah, hi Pranav, how are you? I'm good, sir. How are you? All good, ji. सब बढ़िया एकदम. All. Thank you so much, sir. Thank you so much for all of your videos. बहुत बहुत ज़्यादा help किया है sir आज तक. सभी videos ने. आप कहाँ से हैं? आप कहाँ रहते हैं? और क्या करते हैं? So currently I'm working as a software professional, sir. California में हूँ मैं भी, US में. So I'm working here from last 3 years. So, but my parents and everyone stays in India. So, mere sir somehow questions bhi usi base pe sir, and I really want to ask you like couple of questions. Please, bataiye kya question. So, sir, first question hai sir, how to be a true warrior in life, sir? Like everyday life mein bahut sare aise situations aate hai sir, like bahut difficult hote hai ya fir challenging hote hai sir. So, उस वक्त सर हाउ टू स्टे मेंटली स्ट्रांग. आप थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि क्या आप किस प्रॉब्लम की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो लाइफ आप जी रहे हैं, यानी कि आपने आईटी में इंजीनियरिंग करी होगी और मोस्ट प्रोबेबली इंडिया से ही कहीं से करी होगी. कहाँ से करी थी आपने इंजीनियरिंग? कहाँ से करी थी? पुणे से की थी सर, VIT कॉलेज. अच्छा, पुणे से करी थी. तो आप अभी वो लाइफ जी रहे हैं जो इंडिया में करोड़ों जो बच्चे हैं जो जीना चाहते हैं. दे वॉन्ट कि भाई वो एक कॉलेज से निकलें और एक अच्छी जॉब उनको मिले, चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर हो, कहीं भी किसी अच्छी कंपनी में. तो आप ऑलरेडी एक लाइफ ऐसी जी रहे हैं. तो आप थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये भी इल्यूजन होता है कि शायद जब ये हो जाएगा जो हम चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि ऐसी कंपनी में जॉब लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, या मेरा सपना है कि मैं इंडिया से बाहर चला जाऊँ तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. और अब आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इट विल हेल्प देम अ लॉट, कि जो अभी देख रहे हैं मेरे को उनको बहुत हेल्प होगी, क्योंकि उनको समझ आएगा कि प्रॉब्लम्स लाइफ की कभी खत्म नहीं होती है. सर सर कोई भी चैलेंजिंग हो सर, लाइक से सपोज वर्क लाइफ में कोई चैलेंजेस हो, या फिर रिलेशनशिप्स में हो, या फिर हेल्थ रिलेटेड हो, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है सर. वी डोंट नो, लाइक करंटली कोविड चल रहा है, सो वी डोंट नो एनीवन कैन गेट अफेक्टेड विद दैट. सो उस केस में भी लाइक ऐसे क्रंच सिचुएशन में भी हाउ टू डील विद दैट विद लाइक फुल कॉन्फिडेंस एंड फुल मेंटल स्ट्रेंथ सर. एक बात है मेरी जो आपको हमेशा याद रखनी है, आपको या जो भी मुझे अभी वीडियो में देख रहे हैं उन सबको, एक बात हमें हमेशा लाइफ में याद रखनी है, वो क्या है? देयर इज ओनली वन थिंग कॉन्स्टेंट इन दिस होल वर्ल्ड, दैट इज चेंज. कि सब कुछ बदलता रहता है. होता क्या है कि जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा होता है, मान लो हमारी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है, तो हमें लगता है कि ये तो कभी खराब हो ही नहीं सकती, कि अब सब कुछ ऐसा ही चलेगा, अब सब कुछ परफेक्ट ही रहेगा, अब ये जो टाइम है ये ऐसे ही चलता रहेगा. मान लो कि एक बहुत ही एक रोमांटिक रिलेशनशिप चल रही है तो हमें ये लगने लग जाता है, जबकि उसमें भी अप्स एंड डाउन आते हैं, हेल्थ में भी अप्स एंड डाउन आते हैं, करियर में भी आते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, जब सब कुछ सही हो जाता है, मैं कहता हूं आपकी हेल्थ भी ठीक है, करियर भी ठीक है, रिलेशनशिप भी ठीक है, तब मेंटल लेवल पे अप्स एंड डाउन आते रहते हैं जो हमने सोचा भी नहीं होता. समझ ही नहीं आता है कि यार मुझे बुरा क्यों लग रहा है, लेकिन एकदम से ही मेंटल स्टेट चेंज हो जाती है. मतलब वो सब कुछ हमको मिल जाता है जो चाहिए होता है, फिर भी जिंदगी में एक वॉइड होता है, खालीपन होता है, अंदर से मजा नहीं आ रहा होता है, राइट? तो क्या हुआ है कि कुछ बदल गया है. आप रिलेट कर पा रहे हो ना मेरी इन सारी बातों से? लाइफ में एक कड़वा सच है, वो क्या है कि सफरिंग कांट बी अवॉइडेड. जो लाइफ में सफरिंग है, सफरिंग मतलब दुख, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है. बस आप एक चीज कर सकते हैं जो इंसान के हाथ में कंट्रोल है, कि उस सफरिंग में कोई मीनिंग ढूंढ लो. जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर अपनी बॉडी के ऊपर काम नहीं भी करते, अपनी हेल्थ के ऊपर काम नहीं भी करते, तब भी सफरिंग तो आएगी, बीमारियां आएंगी. यस सर, ठीक बात है ना? अच्छा, अगर काम करते हो, यानी कि मान लो जिम जाते हो या एक्सरसाइज करते हो, कुछ करते हो, उसमें भी सफरिंग आएगी, दर्द होगा, मन नहीं करेगा, फिर भी करना पड़ेगा, तो सफरिंग तो दोनों तरफ है. मीनिंग क्या है? कि मेरा बड़ा दर्द खत्म हो जाएगा छोटे दर्द को सह करके. तो आपने अपनी उस सफरिंग को मीनिंग दे दिया. ऐसे ही लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको मीनिंग देना पूरी तरीके से आपके हाथ में है. इसी कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है कि जो भी हमारे कर्म है उसका फल हमारे हाथ में है, क्योंकि मीनिंग हमारे हाथ में है. अगर आपके साथ कुछ बुरे से बुरा भी होता है, तो उसको एक अच्छा मीनिंग देने से आपको कौन रोक रहा है? रिलेशनशिप जब बदलती है, यानी कि या तो खत्म होती है या उसमें प्रॉब्लम्स आती है, तो प्रॉब्लम इस वजह से नहीं होती कि जो बदल रही है या जो खत्म हो गई है या जो भी कुछ हुआ है, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती. प्रॉब्लम होती है जो हम उसको मीनिंग दे रहे होते हैं. एक मीनिंग भी तो दे सकते हैं कि चल यार, रोज रोज की लड़ाई झगड़ा था, रोज रोज की प्रॉब्लम थी, चल अच्छा है खत्म हुई,
अब लाइफ में आगे बढ़ते हैं, लाइफ खत्म थोड़ी हो गई है, रिलेशनशिप ही तो खत्म हुई है. क्या पता इससे बेटर बहुत कुछ होने वाला है लाइफ में. ये क्या किया आपने, एक्चुअल में सिचुएशन को चेंज नहीं किया, सिर्फ मीनिंग को चेंज कर दिया सर. पर और एक मतलब ये ऐसा भी होता है सर कि बचपन से अपनी एक एज अ माइंड में वायरिंग हो जाती है सर. आई यूज दिस वर्ड. बट सर एक ही डिरेक्शन में हम सोचते हैं कि अरे मेरे साथ ये हो गया या फिर ये सेटबैक आ गया, तो फिर हम उसी डिरेक्शन में सोचना शुरू कर देते हैं और नीचे जाते और नीचे जाते. सो दैट वायरिंग कैसे चेंज करे सर, सो दैट की कोई भी प्रॉब्लम हो फिर उसमें मजा आना शुरू हो जाए कि हम ये ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. जिसको आप वायरिंग कह रहे हो वो वायरिंग बेसिकली और कुछ नहीं है, कुछ ब्रेन पैटर्न्स हैं, एक तरह के पैटर्न्स बन गए हैं कि बचपन से आज तक हमको कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, तो उन एक्सपीरियंसेस के साथ में कुछ इमोशंस जुड़े हुए हैं, कुछ फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं. तो जैसे ही उससे मिलता जुलता कोई एक्सपीरियंस होता है वो वाले रिएक्शंस अंदर ट्रिगर होने लग जाते हैं, फिर वापस से उसी स्टेट में चले जाते हैं. मतलब मान लो कि एक डिफॉल्ट पैटर्न है जो सिर्फ आपका नहीं है, मेरा नहीं है, सबका है, ह्यूमैनिटी का है. वो क्या है कि हमारी लाइफ में, और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस भी हुई है पूरे वर्ल्ड में जहाँ से ये निकल करके आया है, तो आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, इट इज़ बैक बाय रिसर्च. वो क्या है कि अगर हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाता है तो हम इतने खुश नहीं होते हैं, यानी इतने दिन तक हमको वो याद नहीं रहता है. लेकिन अगर कुछ बुरा हो जाता है तो हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं. मतलब अच्छा अगर बहुत ज्यादा होता है तो हम बहुत कम खुश होते हैं, लेकिन अगर बुरा थोड़ा सा भी होता है तो हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं. यही वो वायरिंग है जिसकी आप बात कर रहे हो, यही वो ब्रेन पैटर्न है. मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है माइंड हमारा उसको बहुत बड़ा बना देता है, और अचीवमेंट बड़ा भी होता है तब भी माइंड उसको छोटा बना देता है, कहता है नहीं नहीं अभी तो ये कुछ भी नहीं है, प्रमोशन हो भी गई तो इससे क्या होता है, अभी तो नेक्स्ट लेवल पे जाना है. तो शुरू शुरू में तो खुशी होती है, बाद में खुशी होना भी बंद हो जाती है. तो खुश होने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता है, लेकिन दुखी होने के लिए किसी एफर्ट की जरूरत ही नहीं है, वो तो हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है, वो तो हमारी वायरिंग है. तो अब क्या करना है इस वायरिंग को चेंज करने के लिए या इन ब्रेन पैटर्न्स को चेंज करने के लिए, सबसे पहली चीज जो आपको विश्वास करना होगा मेरी इस बात पे जो बात मैं अभी बोलने वाला हूं, वो क्या है कि इन ब्रेन पैटर्न्स को चेंज किया जा सकता है. सो देयर इज होप. सबसे पहले तो ये बिलीफ होना चाहिए, अगर ये बिलीफ नहीं है तो वो चेंज नहीं हो सकते. करेक्ट. ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकते, आप चाहो रातों रात एकदम से बदल जाएंगे वो ब्रेन पैटर्न जो बनने में मानो 30 साल लगे हैं, ऐसा नहीं होगा. आपको कुछ नई हैबिट्स इनकलकेट करनी है अपनी लाइफ में जो कि आपकी थॉट की डायरेक्शन को चेंज कर दे. यस, जो पूरी तरह से चेंज कर दे. फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही पावरफुल टूल है, वो है डेली अफर्मेशंस, जो बहुत ही कम लोग दुनिया में फॉलो करते हैं. यस सर. आप करते हो फॉलो डेली कोई अफर्मेशंस हैं अभी? सर बहुत कम करता हूँ, मतलब ऐसे कुछ लाइक कभी कभी सिचुएशन ऐसे आती है तो फिर खुद को बोलना पड़ता है कि यस आई कैन डू इट समथिंग लाइक दैट, आई यूज इट बट नॉट डेली. हाँ, और वो भी तब जब कोई सिचुएशन आती है. ये बिल्कुल ऐसा है कि जब कोई प्रॉब्लम आ गई तो उस वक्त तो हम कमजोर हैं, हमें सिचुएशन में नहीं है कि हम उस सिचुएशन से लड़ सके, उस वक्त अफर्मेशंस इतनी काम नहीं आएंगे. यस सर. बिल्कुल ऐसा है जब हम बीमार हैं तो हमको जिम नहीं जाना है, फिर हॉस्पिटल जाना है. ठीक है ना, जिम बीमार लोगों के लिए नहीं है, जिम फिट लोगों के लिए है जो और फिट होना चाहते हैं. तो अफर्मेशंस उनके लिए नहीं है जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है बहुत बड़ी, अफर्मेशंस उनके लिए नहीं है जिनका ब्रेकअप हो गया है. Yes. क्योंकि उस वक्त तो उनकी मेंटल सिचुएशन ऐसी है कि उनको दारू के अलावा और कुछ सूझेगा ही नहीं. आप समझ गए, उनका दिमाग yes. काम ही नहीं करेगा बहुत सारे yes. लोगों का. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन कहने का मतलब है कि उस वक्त तो वो इस सिचुएशन में ही नहीं है कि वो उस अफर्मेशन की मीनिंग को समझ सके या उस अफर्मेशन right. को सुन भी सके. वो कहेंगे छोड़ो ना यार, मैं दुखी हूं, क्या फालतू की बातें कर रहे हो मेरे से. समझ गए. तो कहने का मतलब है अफर्मेशंस को यूज करने का सही टाइम कब है, जब आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जब सब कुछ ठीक है. ये बिल्कुल ऐसा है अपने माइंड की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना. उसके लिए मैंने अपनी एक वीडियो भी अपलोड करी है कुछ दिन पहले, आई एम नॉट श्योर आपने वीडियो देखी है. अच्छा, यू सॉ दैट है ना, डेली अफर्मेशन. अब आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूँ, वो वीडियो मैंने एक्चुअल में आप लोगों के लिए नहीं बनाई, यानी वो लोग जो मुझे वीडियो में देख रहे हैं आप लोगों के लिए नहीं बनाई, वो वीडियो मैंने खुद के लिए बनाई है. वो जो अफर्मेशन है उसको मैं खुद डेली सुनता हूँ, क्योंकि मैंने नेट पे बहुत ढूंढा, मेरे को ऐसी कोई वीडियो नहीं मिली जिसमें कि अफर्मेशंस कोई ऐसी हो जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो रहा हो और सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स यूज हुए हो, नेगेटिव वर्ड्स ना यूज हुए हो, क्योंकि नेगेटिव वर्ड आते ही वो अफर्मेशन बेकार हो जाती है. आप समझ गए. तो मेरे को कोई ऐसी चाहिए थी जिसमें एनर्जी हो,
जिसको मैं डेली सुबह सुनूं 5 मिनट के लिए और एनर्जाइज हो जाऊं, एक मेरी मेंटल स्टेट चेंज हो जाए सुबह उठते ही, तो वो अफर्मेशंस मैंने खुद के लिए बनाई है। तो अगर उन अफर्मेशंस को आप डेली सुनते हो अगले 21 दिन तक भी, एक बार करके देखना जो बात मैं कह रहा हूं, कि डेली सुबह उठते ही सबसे पहले मतलब अपने डेली के दिन के जो काम है वो करें, उसके बाद में सिर्फ 5 मिनट की वो वीडियो है एक बार उसको सुन लो वॉल्यूम तेज करके अपने ईयरफोन्स लगा करके, एंड जस्ट लिसन टू इट आराम से आंख बंद करके एक जगह पे बैठ करके, और फिर देखो 21 दिन बाद क्या होता है। आपकी जो ब्रेन की वायरिंग है ना, जो आपने वर्ड यूज किया वायरिंग, ब्रेन पैटर्न्स, उसमें चेंजेस हो जाएंगे। नाइस सर। मतलब ये जो बातें कही जाती है ना हमारे घर में, वो बेवजह नहीं है। जैसे बोलते हैं कि शुभ शुभ बोलो, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। आप कहते हो कि हम अफर्मेशंस को यूज नहीं कर रहे हैं, बट हम करते हैं, बट फर्क क्या है, हम नेगेटिव अफर्मेशंस को यूज कर रहे हैं। राइट। आप जाने अनजाने अपने अंदर ही अंदर सुबह उठते ही बोलते हो, अरे यार आज फिर से ये करना पड़ेगा, अरे यार आज तो ये प्रेजेंटेशन देनी है, अरे यार ये क्या हो गया, आज तो फिर जाना पड़ेगा, मंडे आ गया यार, समझे। आप जाने अनजाने अफर्मेशंस को यूज कर रहे हो। अफर्मेशंस मतलब कि अपने आप को कुछ बोल रहे हो, बस फर्क क्या है कि आप कुछ नेगेटिव बोल रहे हो। अब मैं क्या कह रहा हूं कि कुछ पॉजिटिव बोलो, जो शुरू में बोलना आपको थोड़ा अजीब भी लगेगा, विश्वास भी नहीं होगा, आप कहोगे नहीं नहीं मेरा दिन अच्छा कहां है, मेरा दिन तो बुरा है। लेकिन जब सुनते जाओगे धीरे धीरे आप देखोगे आपके जो ब्रेन के पैटर्न्स है वो चेंज होने लग जाएंगे, आपकी हैबिट्स चेंज होने लग जाएंगी। और अगर हमको ये आ जाए ना कि एक दिन को अच्छा कैसे बनाते हैं, तो ये छोटी चीज नहीं है, क्योंकि आपको ये आ गया है कि अपनी जिंदगी को अच्छा कैसे बनाते हैं, क्योंकि एक एक दिन करके जिंदगी बनती है। लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं इन बातों को। लोग क्या चाहते हैं कि एकदम से ही मेरी लाइफ चेंज हो जाए, एकदम से नहीं होती है। एक एक दिन करके आप अगले एक महीने तक अपने एक महीने को ठीक कर लो, अगर ये आपको आ गया और फिर इसको कंसिस्टेंटली आप कर पाओ, तो आपकी पूरी लाइफ एक अलग डायरेक्शन में चली जाएगी।